वीडियो दे दिया होगा। आज आप राजपूत रेजिमेंट की बॉयनियल में आए हैं, क्या अंतर है पिछली और जब आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और आप में क्या अंतर आया? देखो, सेनाओं में कोई अंतर नहीं आता, वही डिसिप्लिन होता है, वही अच्छाई होती है, वही जज्बा होता है और वही प्रेरणा होती है। सिर्फ अंतर आता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो फौज के अंदर नई टेक्नोलॉजी, और राजपूत सेंटर 100 साल अपने पूरे कर रहा है यहाँ पर, तो उसके उपलक्ष्य में ये समारोह रखा गया था ताकि हम अपनी नींव को, अपने पुराने लोगों को, अपने वीरों को याद करें। पूरा वर्ल्ड साइबर अटैक की ओर बढ़ रहा है, सेना हमारी कितनी तैयार है? सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती है, और बाकी लोग जब तक उस चुनौती को समझते उससे पहले ही वो तैयार हो जाते हैं। अब आप सर राजनीति में भी चले गए हैं, तो सेना और राजनीति में कितना अंतर आप महसूस? बहुत ज्यादा अंतर। क्या सर, सेना सेना है, कोई उनके बीच कोई कंपैरिजन नहीं? सर यहाँ अच्छा लग रहा है या वहाँ अच्छा लग रहा है? देखिए, सब जगह अपनी अपनी जगह पर है। आप सर अपना बता दीजिए, अच्छा लग रहा है सर या? सेना का जो दौर था वो रिटायरमेंट के बाद खत्म हो गया सर, उसके बाद जनता की सेवा में लगे हुए, वो एक अलग माहौल है। डिसिप्लिन पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से डिसिप्लिन आप करके गए इतना, और वही है कि वो एक अलग माहौल है, ये एक अलग माहौल। अब सर आगे हम लोग क्या चुनाव की तैयारी में भी हैं, तो क्या यूपी को क्या देखते हैं? महाराज जी की विजय होगी, इसमें कोई शक नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बयान कर रहे हैं। अरे बयान सब करते हैं, बयान करने दो, चुनाव से पहले सब अपने अपने अलग अलग बयान करते हैं, नतीजा आएगा आप देखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।
आज मैं यहाँ पर फतेहगढ़ में आया हुआ हूँ। यहाँ पर एक हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज हमारा बाइनियल कॉन्फ्रेंस है, जो कि 31st बाइनियल कॉन्फ्रेंस है और 16th पोस्ट वॉर रियूनियन है, और साथ ही साथ हमारे रेजिमेंटल सेंटर का 100th एनिवर्सरी यानी कि शताब्दी सेलिब्रेशन भी है। तो इसलिए हमारे बीच में आज ना कि हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे पुराने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स भी हैं, और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने पूरे किसी भी जगह पे हो, चाहे लड़ाई हो और चाहे पीस टाइम में काउंटर इंसर्जेंसी में हो, जो हम अपने जवानों को खोए हैं, जो ऑफिसर्स को खोए हैं, उनकी वीर नारी भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज ये एक ऐसा अवसर है जब हम उनसे मिल कर के बहुत खुश हैं, और ये हमारे जो पूर्वज हैं, ये हम उनके कर्तव्यनिष्ठा से और उनके सैक्रिफाइस से उन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेशन भी दिया है। तो उस सब के लिए हम इनसे बातचीत भी करते रहेंगे, और रेजिमेंट का जहाँ तक हिस्सा है हम उनसे थोड़े से और बातचीत करके और किस प्रकार से आगे बढ़ाए जाए हमारे प्लान वगैरह, हमारे रेजिमेंट को कैसे और आगे नई दिशा दिया जाए, उसके बारे में उनसे बातचीत। थैंक यू सर।